हेलो दोस्तों, आज आप लोग को जैक का मार्कशीट कैसे बनाते हैं एक्सेल में बताने वाले हैं। चलिए देखिए किस तरह का आपका मार्कशीट है। सो ये तैयार किया जाता है डाटा को इस तरह से, आप सभी स्टूडेंट का डाटा आप रेडी कर लेंगे, देख सकते हैं। और ये सभी डाटास के लिए आज हम बताने वाले हैं किस तरह से हम रेडी करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सेल। देखिए हमने क्या है कि एक्सेल में खोलिए, इसे हम सेलेक्ट करते हैं सेल को, और यहाँ पर इस जगह पर देखिए ये आपका है मर्जिन सेंटर, इसमें क्लिक कीजिएगा, ये एक सेल बन जाएगा। और इस सेल का रॉ के हाइट को आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं, आप इस स्टेप से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जैसा भी आप चाहिए। इसमें हम लिखते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, लिख दिए, इंटर कर दीजिएगा। इसे ग्रो कीजिएगा, ग्रो फॉन्ट कीजिए एंड बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि सेकेंड इसका हेडिंग बनाइए, आप किस मैटर पर बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं आज इसमें मार्कशीट, तो मार्कशीट आप लिखिए, एंटर कीजिए। बाकी आप है सो इसका जैसा हेडिंग बना कर रखिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल हम थोड़ा बदल देते हैं और मिडिल अलाइन कर दीजिएगा, इसे भी आप मिडिल अलाइन कर दीजिएगा। और इसे सेलेक्ट करके हम कुछ दूरी तक सेलेक्ट करते हैं, और इस जगह से देखिए आपका बॉटम बॉर्डर है, ये ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा, ये पूरा बॉर्डर दिला जाएगा। बॉर्डर इसलिए हम दे रहे हैं कि आपको हम जिस तरह से बनाते जा रहे हैं वो बताएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आएगा। अब चलते हैं, दो दो सेल सेलेक्ट करते हैं, मार्जिन सेंटर मार्जिन सेंटर मार्जिन सेंटर, आप इसे इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। और हमारे आने वाले वीडियो में आपको एक्सेल का पूरा हर एक टूल्स का काम बताने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे हमारा सारा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर मर्जिन सेंटर कर रहे हैं, इस जगह पर मर्जिन सेंटर किए। अब हम एक साइड से लिखते हैं, सबसे पहला हम लिखेंगे रोल कोड, रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। देखिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं और ऐसो टाइप बटन दबा रहे हैं, आगे जा रहा है। अब ऐसा नहीं देखे सोचेंगे कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे है तो यहाँ पर छिप गया तो क्या हो गया, तो ऐसा कुछ आपका टेंशन नहीं लीजिए, आप सिर्फ लिखते जाइए, टैब बटन दबाते जाइए, आगे जाते जाएगा। रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एमएस नंबर, और फिर है सो आप नेम डालेंगे किस कैंडिडेट का है, मदर्स नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालिए आप। और देखिए इस जगह पर हमारा स्पेस बढ़ा सकते हैं जिस तरीका का आपको चाहिए। उसके बाद क्या कीजिए, नेम का भी स्पेस बढ़ा लीजिए। इतना सारा करने के बाद आप क्या कीजिए, ये फादर्स नेम का मार्जिन सेंटर कीजिए, इसे हम कम किए, आप इसे बढ़ाएंगे। फिर ऐसो आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का आप एक सेल बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए सब्जेक्ट्स, और पहला में आप लिखिए हिंदी,
इंग्लिश का हम लिख रहे हैं, मैथ का लिखिए, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत हम यहाँ 10th का रेडी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फिर सेलेक्ट कीजिए मर्जिन सेंटर कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए मर्जिन सेंटर, इसे सेलेक्ट करके मर्जिन सेंटर, इसे सेलेक्ट करके मर्जिन सेंटर, इस तरह से। और आप इसमें लिखेंगे फुल मार्क्स, फिर लिखेंगे ऑप्टेन मार्क्स, फिर लिखेंगे परसेंट मार्क्स, फिर आप डिवीजन लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट ट्रैक से काम करने के लिए ग्रेड के लिए ये सब्जेक्ट वाला को सिलेक्ट किए, कंट्रोल प्लस सी कर देंगे, कंट्रोल प्लस सी कॉपी हो जाता है, और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस भी करेंगे पेस्ट, ये पूरा आपका हो गया। बस यहाँ क्या कीजिए, सब्जेक्ट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हम ग्रेड लिख देंगे, ठीक है। इतने सारे काम फॉर्मेट में काम करेंगे, हमारा एक्स्ट्रा सेल हो गया ये सेलेक्ट कीजिए, और उसको हम रहने देते हैं अभी, इसमें एक और नहीं जोड़ते हैं, आगे बहुत सारा हो जाता है। सेलेक्ट करेंगे कॉलम्स को, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, डिलीट करेंगे तो ये मिट जाएगा और इंसर्ट करेंगे तो वापस भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसे कॉलम की जो चौड़ाई है उसे हम कम कर देते हैं। आप मार्कशीट का भी आप इसी तरह से सेम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसका कम कर दीजिए। फुल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंट मार्क्स, ये तीनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और रैप टेक्स्ट कर दीजिए। रैप टेक्स्ट से क्या होगा कि ये जैसे इसका कॉलम की चौड़ाई को आप ज़्यादा कीजिएगा, बढ़ाइएगा, तो ये ऑटो एक लाइन में एडजस्ट हो जाएगा, और कम कीजिएगा तो दो लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। अब करते क्या है कि इस पूरा रॉ को सेलेक्ट कर लीजिए और सेंट्रल लाइन कीजिए, मिडिल कीजिए एंड बोल्ड कर दीजिए, ये आपका हेडिंग रेडी हो जाएगा। कलर्स वगैरह आपको डालना यदि है तो फर्स्ट का हेडिंग, सेकेंड का हेडिंग, जो झारखंड अकेडमी काउंसिल लिखे हैं प्लस मार्कशीट, इसका सेडिंग कलर हम डाल देते हैं इस टाइप से। और जितने हमने हेडिंग्स ये बनाए हैं इसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें हम है सो येलो कलर का डाल देते हैं। ये अभी हम डेटा सीट रेडी कर रहे हैं। उसके बाद आप काम क्या कीजिए, रोल कोड आपको लिखना रहेगा तो 21019 लिख दीजिए और इसे आप सेलेक्ट करके देखिए सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे ध्यान रखिएगा सेल सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ से देखिए सेल सेलेक्ट किए और कंट्रोल प्लस डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, सभी में एक ही रोल कोड डाला जाएगा। अब रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डालने के लिए क्या है कि आप 0001 डालते हैं और इंटर कीजिएगा तो ये आपका 00 हट जाएगा। इसके जगह पर आप क्या कीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप लगाएंगे, उसके बाद 0001 डालेंगे और इंटर करेंगे, ये पूरा आपका शो कर जाएगा। क्या डाल के, इन्वर्टेड कॉमा डाल के, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा डाल के ये लिखेंगे, उसके बाद डप एंड ड्रैग कर दीजिए, ये सारा आपका रेडी हो जाएगा एक साथ रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो डालना है जैसे कि 019 हमने लिखे हैं, डैश देंगे, आर एस या एस आर लिखिए, जो भी कोडा होगा 2019 का, 2023 का हम बना देते हैं जो अबर चल रहा है। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसे भी डप एंड ड्रैग कर दीजिए, ये सारा आपका आ जाएगा। 2023 का जगह सिर्फ 23 लिखते हैं, 20 लीजिए, डेट ऑफ बर्थ है सो अब डाल दीजिए, जो भी होगा जैसे हम ये डाल दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लगा दीजिएगा।
है, सीरियल नंबर आपका 6 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का भी हो सकता है, आप ये लगा दीजिए, 98 57 47, और दोनों को सेलेक्ट करके डप एंड ड्रैग कर दीजिए, ये पूरा का पूरा एंट्री हो जाएगा। आप इसी तरह से पूरा का पूरा सीट है सो फिलअप कर देंगे। नाम आपको जिस तरीके का चाहिए, जैसे हम नेम में डाल रहे हैं राकेश कुमार, रमेश कुमार, रोशन कुमार, आदित्य कुमार, सुमन कुमारी, रानी कुमारी, राधिका कुमारी, इस तरह से जिसका भी नाम आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है, मदर्स नेम में आप जो भी डालिए, जैसे सुमन देवी हम लिख रहे हैं, रानी देवी, सरिता देवी, सुनीता, जो भी नाम डालिए। चलिए नाम हम इस तरह से एंट्री कर लेंगे, बाकी जो भी एंट्री करना है आपको। फादर्स नेम में आप राम महतो, धर्मेंद्र महतो, सुनील महतो, सिकंदर महतो, ललन महतो, विनोद महतो, रन, चलिए इतना ही लिखते हैं। अब आइए नंबर टाइप करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए क्या करेंगे कि आप कीबोर्ड का लेफ्ट साइड ऑफ है सो लेफ्ट हैंडेड टैब में हाथ रख लीजिएगा और राइट साइड का हाथ आप नमलॉक से नंबर टाइप करेंगे। जैसे हम टाइप करते हैं, एक टैब दबाइएगा, ये बढ़ते जाएगा, देखिए, ठीक है। इस तरह किसी को फेल भी करना जरूरी है, इसे ध्यान रखिएगा, सबको पासिंग मत कर दीजिएगा, तो फिर पता कैसे चलेगा कौन हमारा फाइल है कि नहीं है। ठीक है, फुल मार्क्स में आप 500 डाल देंगे और ये 500 को आप सेलेक्ट करके सेल्स को कंट्रोल प्लस डी कर दीजिएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, आपको ऑफ टाइम मार्क्स निकालना रहेगा। थोड़ा सा हम जूम और कर दे रहे हैं, फार्मूला लगाने का टाइम आ गया है। ऑफ टाइम मार्क्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सम का फार्मूला यूज करेंगे। सम का फार्मूला कैसे ये लगाएंगे, इज इक्वल बराबर और एस यू एम सम लिखेंगे, स्टार्ट ब्रैकेट्स, स्टार्ट ब्रैकेट्स या आप ओपन ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आप किस किस सब्जेक्ट को जोड़ना है, तो हमें हिंदी से लेकर सोशल साइंस तक हम जोड़ लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स करेंगे और इंटर कर दीजिएगा, ये पूरा नंबर निकल जाएगा आपका 365, और इसी को डप एंड ड्राई कर दीजिए, ये सबका निकाल के रेडी हो गया, देख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आपको निकालना है परसेंट। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि इज इक्वल और ओपन ब्रैकेट्स करेंगे, ऑप्टिमम मास का सेल नंबर डालिएगा इनटू 100, क्लोज ब्रैकेट्स करेंगे स्लाइस, और
500 जो ली है इसका फुल मार्क्स, इसका सेल नंबर डाल देंगे और इंटर कर देंगे, ये आपका परसेंट निकल जाएगा। इसे आप सेलेक्ट करके डिपेंड ड्राइव कर दीजिएगा, ये आपका पूरा का पूरा निकाल के रेडी कर देगा। अब हम देखिए आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए समझ लीजिए कि हमने बोले नॉट है। सबसे पहला कि हम ऑप्टेंस, दूसरा प्रोग्राम्स में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिखे, इस फॉर्मूला को हम किस तरह से यूज किए हैं वो एक वर्डपैड खोल लेते हैं। देखिए वर्डपैड में हम आपको लिख दे रहे हैं फॉर ऑप्टेन मार्क्स के लिए, ठीक है। ऑप्टेन मार्क्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाए, तो सम जो बराबर लिखेंगे एच यू एम सम स्टार्ट ब्रैकेट्स, और जितने भी आपका सेल्स नंबर है जैसे हिंदी का सेल नंबर डालेंगे, हिंदी सेल रेशियो डालेंगे, और जो लास्ट का आपका है संस्कृत छोड़ के सोशल साइंस का सेल्स ये डालेंगे, क्लोज ब्रैकेट्स करेंगे और इंटर कर देंगे, और प्रेस इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा आपका ये ऑप्टिमम मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम मार्क्स निकलने के बाद आप क्या करेंगे, आपको निकालना है परसेंट मार्क्स। परसेंट मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, देखिए फोर परसेंट मार्क्स, परसेंट मार्क्स के लिए आपको देना है इज इक्वल स्टार ब्रैकेट्स, और जो आपने ऑप्टिमम मार्क्स निकाले हैं ऑप्टिमम मार्क्स का सेल नंबर, ठीक है, इनटू करेंगे 100 क्लोज ब्रैकेट्स करेंगे और स्लाइस देंगे भाग ऑब्लिक, और यहां पर आप लिख देंगे फुल फुल मार्क्स का जो सेल नंबर है वो, और फिर ऐसा प्रेस करेंगे इंटर, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहां पर आपका परसेंट का मार्क्स निकल जाएगा। ये आपका हो गया मार्कशीट का परसेंट तक। अगला वीडियो में हम डिवीजन ग्रेड किस तरह से निकालेंगे वो सारा बताने वाले हैं। इस तरह का वीडियो हम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सर्कल्स के अपने अगल बगल के सबको बताइए हमारे इस तरह का वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। और बहुत सारे एक्सेल में नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए फॉर्मेट के साथ कंपनी ऑफिस इंटरव्यू कैसे देंगे ये सारे आपको बताने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।